एसटीएम नगर इलाके में पड़ोसी महिलाओं ने की महिला की जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। पड़ोसी महिलाओं ने की महिला की जमकर पिटाई, मामला फरीदाबाद के एसटीएम नगर इलाके का है, जहां एक महिला को उसकी पड़ोसियों ने बुरी तरह पीटा, मारपीट की। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज को जरा ध्यान से देखिए, फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह कुछ महिला एक बुजुर्ग महिला को पूरी तरह से पीट रही हैं और एक बुजुर्ग उन्हें ऐसा करने के लिए उकसा रहा है। दरअसल पूरा मामला फरीदाबाद के एसटीएम नगर इलाके का है, जहां कुंती नाम की बुजुर्ग महिला रहती है। बुजुर्ग महिला का आरोप है उसका पड़ोसियों से किसी बात को लेकर झगड़ा था, जिसकी शिकायत उसने पहले थाने दी, लेकिन उस समय समाज के लोगों के कहने पर समझौता कर लिया। 27 तारीख को उसके साथ फिर पड़ोसियों ने अभद्रता शुरू की, जिस पर उसने पुलिस को फोन किया। पुलिस की गाड़ी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उसे घर से बाहर आने को कहा और जैसे ही वह घर से बाहर निकली, उसकी ताक में खड़े इन लोगों ने उसके साथ बुरी तरह मारपीट करनी शुरू कर दी। इसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंती देवी है सर। क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ, मैं A1 29 SGM नगर में रहती हूँ सर। मैं 27 तारीख की बात है, मैं तुलसी जी के पूजन के लिए मिट्टी लेने जा रही थी पार्क में से ही, तो सबसे पहले तो बच्चों ने मेरे में पत्थर मारना शुरू कर दिया। उन्हीं के बच्चे ब्यास के छोटे छोटे बच्चे थे, जो रघुवर दयाल ब्यास हैं, जो हमारे पड़ोस में ही रहते हैं। मैंने उन मना किया कि ये ऐसे पत्थर मार रहे हैं, अंकल जी ऐसा क्यों करवाते हो आप, मुझे बहुत कई सालों से परेशान कर रहे हो आप, बढ़ा पाए आप ऐसा क्यों करवाते हो, मेरे तुम्हारे क्या लगा। तो इनकी सोची समझी साजिश थी, इन्होंने सबने मिलके मेरे को इतना मारा, लात घूसा से मेरे कान की चैन कान का कुंडल ले लिया, चैन छीन के चले गए। इतनी लात मेरे गले, मेरी आँख फूट गई, आँख का पर्दा मेरे से आँख से दिखाई नहीं देता है मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा था इन्होंने, सबसे इनकी सोची समझी साजिश थी। वैसे ये बहुत दिनों से मेरे से रंजिश मानते हैं, मेरे बहन की, मुझ पे इनके लड़कों की जो धर्मा और ब्यास है, इनने इन दो इनके बेटे, दो बेटे धर्मा ब्यास और सूरज, इनकी मुझ पे गलत नज़र थी। मैंने इनकी गलत नज़र का विरोध करा करती थी, तो मैंने इनसे आना जाना बंद कर लिया। मैंने इनके, चलो ये सीनियर सिटीजन है तो मैं इनकी बहुत इज्जत करती थी सन 2014 में, फिर मैंने इनसे बिल्कुल अलगाव कर लिया और फिर उसके बाद इन्होंने रंजिश मान ली। फिर इनके, मैं सर मैं अकेली रहती हूँ, मेरे माँ बाप तो एक्सपायर हो गए, मेरे दो भाई हैं जो दूर दूर रहते हैं, वो एक भाई तो परदेश, तो मैं अकेली रहती हूँ। परसों की बात है, सर ने लात घूसे मार मार के फिर जब तक मेरी जान नहीं निकल गई तब तक इन्होंने चैन नहीं लिया। मैं सबसे हाथ जोड़ के गुहार लगाती थी कि भाई मुझे बचा लो। एक पड़ोसी ये प्रेम सैनी, ये भी खड़ा था जो रघुवर दयाल व्यास का ही, उस रघुवर दयाल व्यास का ही वो दोस्त है, जो हमारे सामने के पड़ोसी सब खड़े खड़े मेरे नज़ारा ऐसा देख रहे जैसे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। सर मेरा पेशाब निकल गया वहां पे, मैं जमीन पे खून हो गया। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस आ गई, पुलिस से इनके पत्थर मारने से पहले मैंने पुलिस को फोन किया था, तो पुलिस कहती है कि हमको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, आप ही आ जाओ हमें लेने के लिए। तो मैं उनको लेने जा रही थी पुलिस वालों को, मेरे पुलिस वालों से मना किया कि सर मुझे ये मार देंगे, मैं नहीं आपको लेने आ रही हूँ। तो फिर बोले नहीं नहीं तुमको कुछ नहीं कहेंगे। तो उसी टाइम मुझे सब ने मारा, जो फुटेज में सब कुछ आ रहा है, सारा 12 जनों ने मारा मुझे, इतना मैं अभी भूल नहीं पा रही। मेरे नाक में से मेरे अभी अभी खून के तक्के आते हैं, यानी क्या क्या, मेरी सारी एक्सरा, मेरे सारा सिर फटा हुआ, मेरी हड्डी टूटी हुई है, मेरे कंधे वंधे सब टूटे हुए, मेरे दोनों भाई मुझे गाड़ी में डाल के यहाँ बुलवाने के लिए लाए, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, तीन दिन से बोलने की हिम्मत नहीं थी। कह रहे थे लॉकेट वगैरह कुछ ले गए, मेरे कान का ये मैंने एकदम, वो तो मेरा ये कान का ये बच गया, मैंने ऐसे कर लिया था, ये कान के तोड़ के ले गए, चैन ले गए मेरी,
और ये पड़ोसी है रघुवर दयाल व्यास और इसके दोनों पुलिस मदद कर रही है अब आपकी। अब पुलिस को मैं गई थी कंप्लेंट, पहले पुलिस ने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ न्याय दिलाएंगे। पहले पुलिस बी के हॉस्पिटल पहुंची, मैंने कहा कि मुझे सर ले जाओ, कहती है नहीं अपने आप आ जाना ऑटो से। मैंने कहा कि मैं ऑटो से कैसे आ सकती, मेरे पास अब मैं चलने की भी हिम्मत नहीं है, आप ही मुझे ले जाइए। मैंने रिक्वेस्ट करी थी पुलिस से, तो उसने जैसे तैसे पुलिस वालों ने मुझे गेट तक छोड़ दिया। लेकिन मैंने पुलिस वालों से कहा भैया मेरे से नहीं चला जा रहा है, आप आगे तक बेंच तक बिठा दो। तो पुलिस वाला मुझे बिठाने गया, लेकिन पुलिस वाले ने भी डॉक्टर से मना कर दिया कि भाई मेरा नाम मत लिख भैया कि मैं लेके आया हूँ। तो उस डॉक्टर ने भी मेरी माइल्ड MLR काट दी, हल्की हल्की सी MLR काट दी। आरोपी को गिरफ्तार किया पुलिस ने? नहीं, कुछ भी नहीं किया, और मजे ले रहे हैं पुलिस वाले तो। और जब मैं गई थी FIR, मैंने कहा कि सर अब मेरे मरने में क्या कमी रह गई थी, मेरा तो अटेम्प्ट मर्डर। फैदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। इंसान साहब, एक महिला के साथ मारपीट कर रही हैं कुछ महिलाएं, क्या है पूरा मामला? ये जिस दिन अपना यहाँ पे जनउत्थान रैली थी उस दिन का मामला है, 27 तारीख का। और शाम के करीब जब महिला कुंती देवी जी अपना रैली से लौट रही थी घर पे वापस, तो रास्ते में जो अपने RD व्यास जी हैं उनके पड़ोसी हैं, उन्होंने वह उनके बच्चे परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट कर दी थी। हमने वीडियो फुटेज उसकी ले ली है, और जिससे उनकी शिनाख्त हो गई है, और उसका तुरंत मेडिकल करा दिया गया महिला का। 112 हमारी वहां मौके पर पहुंच गई थी, 112 उन्हें BK हॉस्पिटल लेके गई और जिसका मेडिकल हो गया। और उन्होंने अपने रिटर्न में शिकायत हमें 28 तारीख को दी, 28 तारीख को तुरंत प्रभाव से हमने जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की थी उनके खिलाफ FIR रजिस्टर्ड कर दी, और जिनमें से हमने चारों को अरेस्ट कर लिया है। अभी 2-3 और बचे हुए हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। ये जो महिला है ये रहने वाले कहाँ की, और जो मारने वाले वो रहने वाले कहाँ के हैं? क्या कुछ कारण पता लग पाया कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? ये दोनों ही पड़ोसी हैं और SGM नगर के रहने वाले हैं। और जहां तक झगड़ा किस कारण से हुआ है, इनकी पहले गाली गलौच हुई है और जिससे वो मामला झगड़े में बदल गया। क्या मारने वाले एक ही परिवार के हैं या अलग अलग लोग? जी, मारने वाले एक ही परिवार के हैं, RD व्यास का जो परिवार है, पंडित जी हैं वो, और उन्हीं के परिवार के हैं। अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई में हमने कार्रवाई करते हुए जिन्होंने मारपीट की उनमें से चारों को अरेस्ट कर लिया है, अभी 2-3 और बचे हैं उनको भी जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टरों द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्योर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।